बीपीएससी साइकोलॉजी मनोविज्ञान की इस फ्री क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज की जो फ्री क्लास है इसके अंदर हम देखने वाले हैं किसके बारे में, हम देखने वाले हैं आपकी 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 हिस्ट्री के बारे में, आपके इतिहास के बारे में। इतिहास किसका? आपके साइकोलॉजी का। संदर्भ लेके चलेंगे हम अपनी एनसीईआरटी का, प्यारी सी, ठीक है, ओके। तो अगर आप ये यूट्यूब में देख रहे हैं तो ये आपके लिए फ्री क्लास है, अगर आप ये कोर्स के अंदर देख रहे हैं तो आपके लिए पेड क्लास है। फ्री क्लास केवल नाम की है, आप इसके अंदर जो कंटेंट मिलेगा अभी आपको देखने वाले हैं वो आप देखिए, स्वयं बताइए और वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए कहानी की शुरुआत कहां से होती है, कहानी की शुरुआत होती है आपकी ऑफिशियली जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है आपकी 1879, ठीक है, 1879 आपको दिया हुआ है, यानी कि 1879, ठीक है, 1879 में आपकी जो है यहाँ पे लिप्ज़िग जर्मनी में जो है फर्स्ट टाइम आपकी जो है लेबोरेटरी सेट कर दी जाती है, किसके द्वारा, आपके विल्हेम वुंड के द्वारा, ठीक है। विल्हेम वुंड जिनका संबंध किससे था, आपके स्ट्रक्चरलिज्म से था, आपके संरचनावाद से था, उसी के साथ साथ संरचनावाद से एक और व्यक्ति थे जिनका मेन संबंध था, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपके एडवर्ड टिशनर, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। लेकिन देखिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और जो आप चलते हैं रियल नॉलेज की तरफ तो वहां पर देखिए इसके कुछ सालों पहले ध्यान दीजिएगा, खासतौर पर 1875 में, ठीक है, चार वर्ष पहले 1875 में क्या होता है, 1875 में आपने एक और नाम सुना है, वो किसका है, वो है आपके, अच्छा अगर आप ये देख रहे हैं तो नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है, अभी जब शीट बना के देंगे आपको तो अलग बात है, बात की बात है, वो आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, लेकिन आप जो है साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे आपकी टाइमलाइन के लिए। तो विलियम जेम्स जो है यहाँ पे 1875 में क्या करते हैं, यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं ऑलरेडी, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ाना इन्होंने जो है पहले ही शुरू कर दिया था ऑफिशियली आपकी जो लेबोरेटरी सेट हुई थी उसके कुछ सालों पहले, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सवाल अगर आपको आता है घुमा फिराकर तो आप उसको ट्विस्ट करेंगे, या फिर आप इन फ्यूचर नॉलेज के हिसाब से भी अगर आप आगे प्रोफेसर बनेंगे टीचर बनेंगे तो आपको ये काम आएगा। 1875 में पहली बार जो है आपकी विलियम जेम्स जो है क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं साइकोलॉजी की, लेकिन ऑफिशियली कब होता है, ऑफिशियली होता है आपका जब ये लिप्ज़िग जर्मनी में आपकी ये शुरुआत हो जाती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी जो है काफी पहले से चली आ रही है, और दर्शन से तो चली आ रही है वो आप ऑलरेडी इस बात को जानते हैं, ठीक है, ओके। उसी के पहले देखिए क्या होता है, उसी के पहले अगर हम यहाँ पे चलते हैं 1801 में, 1801 में एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपके गुस्टाव फेशनर, नाम सुना होगा आपने गुस्टाव फेशनर, ठीक है, इनका जन्म होता है कब आपके 1801 के अंदर, ठीक है, और ये किसके, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं किसका जनक, इनको हम बोलते हैं साइकोफिजिक्स का जनक, यानी कि आपकी मनोभौतिकी का जनक किसको हम बोलते हैं, साइकोफिजिक्स, ये बोलते हैं हम गुस्टाव फेशनर को। अब ये आपने क्यों पढ़ना है, ये आपको क्यों बता रहे हैं, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि जब आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में, आप पढ़ते हैं संवेदना सेंसेशन, आप पढ़ते हैं वहां पर अटेंशन, और जब आप पढ़ते हैं वहां पे परसेप्शन, तो ये संवेदना जो है, ये जो आपकी सेंसेशन है ना, ये कहां से लिंक होती है, ये लिंक होती है आपकी फिजिक्स से, और ये इसको कौन लिंक करते हैं, ये लिंक करते हैं आपके गुस्टाव फेशनर, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसी के देखिए 6 साल पहले चलते हैं आपकी, तो कहां से बात करेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी 1795 से, ठीक है, 1795 में क्या होता है, एक और नाम थे व्यक्ति का, नाम क्या था उनका, उनका नाम था यहाँ पर अर्नस्ट वीबर, ठीक है, अर्नस्ट वीबर जो थे ये भी बात करते थे किसके बारे में, ये भी बात करते थे आपकी यहाँ पर इसी चीज के बारे में, जो कि क्या है आपका साइकोफिजिक्स से थोड़ा बहुत संबंध था, बाद में जो है फेशनर ने इनके कामों को और बढ़ाया और आगे यहाँ पर लेकर जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी के ऊपर, और जो भी अभी आपने देखा इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आपकी एनसीईआरटी में। ये देखिए क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी, 1879 से आपका जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, 1879 से विलहेम वुंड ने लिप्ज़िग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापित किया। अच्छा उसके पहले क्या हो रहा था वो सब आपको तो मालूम नहीं था, लेकिन अभी आपने देखा हमारा लेक्चर तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ गया कि इसके पहले भी कहानी की जो थी शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद देखिए 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। अब यहाँ पर देखिए विलियम जेम्स है, ये कौन विलियम जेम्स है जो 1875 में क्या कर रहे थे, यहाँ पर आपके 75 में जो क्लासेस ले रहे थे आपके साइकोलॉजी की, ठीक है, ओके। 1895 में 5 साल बाद क्या होता है, मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना, यहाँ पर स्थापना हो जाती है किसकी, आपकी मनोविज्ञान की एज अ फंक्शनलिज्म, ठीक है, फंक्शनलिज्म के रूप में इसकी जो है शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये जो गैप है 1879 से 1890 के बीच में, यहाँ पर क्या होता है देखिए 1885 में जब आप पढ़ेंगे स्मृति वाला चैप्टर मानव स्मृति का, तो वहां पे आप एक नाम पढ़ते हैं हरमन एबिंगहाउस के बारे में, ठीक है। तो ये जो हरमन एबिंगहाउस हैं क्या करते हैं, ये आपको एक पुस्तक लिखते हैं, जिस पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है आपकी ऑन मेमोरी। तो ये जो पुस्तक है ये क्या करती है, ये बताती है आपको कि हम मेमोरी में किस प्रकार से याद रखते हैं, क्या रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1885 से आपका जो था कॉग्निटिव वाला स्टार्ट हो गया था, ऑफिशियली नहीं हुआ था लेकिन देखिए आप संज्ञानात्मक वाला जो बातें हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, ओके।
आगे चलते हैं। 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया, ठीक है, यहाँ पे विकास कर दिया उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का, यानी कि साइको एनालिसिस की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। अगला देखिए, इवान पावलोव की बात कर रहे हैं। 1904 में क्या हो रहा है, नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए मिला, जिससे अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जा सके, ठीक है, तो 1904 में ये शुरुआत भी हो गई, ठीक है। 1905 में बिने एवं साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। 1905 में क्या हुआ, आपके इंटेलिजेंस टेस्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, बुद्धि परीक्षण का यहाँ पर विकास किया गया, ठीक है, ये भी ठीक है। जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ, ये भी ठीक है, चलिए मान लिया, यहाँ पर उदय नहीं हुआ वैसे, यहाँ पर 1912 में शुरुआत हो गई थी। 1920 में हम कह सकते हैं यहाँ आपका जो है ऑफिशियली यहाँ पर जो है जन्म हुआ था किसके, आपके गेस्टाल्ट का। खैर, 1916 देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम कब खुला आपके, 1916 में, ये आपके लिए जो है मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1916 में क्या होता है, यहाँ पर ये खुलता है, कौन खोलते हैं, उसके हेड कौन रहते हैं, वहां पर ध्यान दीजिएगा, नाम एन सेन गुप्ता, ठीक है, एन एन सेन गुप्ता जो थे वहां पर, वो आप ध्यान रखिएगा, इस बार आपको नेट में भी शायद ये सवाल पूछा हुआ था। ओके, आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं, मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में सम्मिलित किया गया 1922 में, ये जो था आपका इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर आपको जो है इसको शामिल किया गया। फिर यहाँ पर देखिए 1924 में क्या होता है, भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की यहाँ पर स्थापना हो जाती है, ठीक है, यहां तक सब सही चल रहा है। उसके बाद देखिए 1924 में जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिससे व्यवहारवाद की नींव पड़ी। तो अगर आप सवाल पूछेगा आपसे कब रखी, तो 1924 को आप मार्क करेंगे। 1928 में देखिए एन एन सेन गुप्ता, ये भाई एन एन सेन गुप्ता है जो क्या करते हैं, 1916 में यहाँ पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रहते हैं, एवं राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कब लिख दी गई थी इंडिया में, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक एन एन सेन गुप्ता और राधा कमल मुखर्जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 1949 में डिफेंस और साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना, ये भी ठीक है 1949 में। अब यहाँ पर देखिए इतना बड़ा जो टाइम गैप आ गया, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वॉर भी हो गया, सब चीजें यहाँ पर हो गई, उसी में देखिए आपको एक ध्यान रखना है एक बात का, कि 1945 में जो आपको पटना वाला सवाल पूछा था ना, पटना वाला सवाल, उसका करेक्ट आंसर क्या है, 1945 जहां तक हमें ध्यान आ रहा है, लेकिन आंसर की मैं आपको 46 से 47 दिया हुआ है, तो वो गलत है सरासर, ठीक है, ओके, सही नॉलेज लेके चले आप, तो 45 में शुरुआत हो गई थी वो जो आपको सवाल पूछा गया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं 3.0 की। ओके, 1951 में क्या हुआ, मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की, ठीक है, ये भी आगे आपका CCP। 1953 में क्या हुआ, B.F. स्किनर ने साइंस एंड बिहेवियर की यहाँ पर शुरुआत की, पुस्तक लिखी उन्होंने यहाँ पर, ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिससे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। उसके बाद आप आगे देखेंगे 1954 में क्या होता है, मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की, ठीक है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की आपकी 1954 के अंदर। फिर 54 में देखिए क्या होता है, इलाहाबाद में मनोविज्ञान की शाला की स्थापना यहाँ पर हो रही है। 55 में देखिए निमांस, जो आप जानते हैं बेंगलुरु में है आज, वो इसकी स्थापना हो गई यहाँ पर, ठीक है। 62 में आपका रांची में ये हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 73 वाला, कॉनराड लॉरेंस जो थे तथा निको टिनबर्गेन को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशेषता की अंतर्निहित शैली, जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम की होती है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न एंड वो सब की बात होती है आगे जाकर, इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 81 वाले रॉजर स्पेरी के बारे में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1981 में डेविड हुबल एवं टॉन्स्टन वीजल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं, जो कॉम्प्लेक्स, हाइपर कॉम्प्लेक्स और आपके सिंपल सेल्स की बात करते हैं, पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये वाला, ठीक है, ये हाई स्टैंडर्ड वाला लेक्चर है, एडवांस लेक्चर है। नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी NOP की स्थापना 89 में, बाकी सब ठीक है यहाँ पर। 2002 में क्या हुआ, इनको डेनियल कानमैन को भी मिल गया। ये कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको, ये पढ़ने मिलेगा आपको जहां पर आप पढ़ेंगे अटेंशन के बारे में, अटेंशन के मॉडल्स पढ़ेंगे वहां पे आपको देखने मिलेगा डैनियल कानमैन का नाम, ठीक है, ओके। और यहाँ पर रोजर स्पेरी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने जो थे दिमाग में विच्छेद किया यहाँ पर, उसके लिए इनको सारी चीजें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा, ये थी आपकी छोटी सी टाइमलाइन किसके लिए, आपके बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए, कि इसके अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा इस बार 3.0 के अंतर्गत आपको जो सवाल पूछा गया था कहाँ से, कि पटना में कब शुरुआत हुई थी इसकी, उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो सरासर गलत है आपका, 45 में इसकी शुरुआत हुई थी जो सवाल पूछा गया था उससे संबंधित। आगे हम वीडियोस में बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन बीपीएससी है मान के चलते हैं, इस प्रकार की चीजें वहां पर हमको देखने मिल सकती है। सही क्या होना चाहिए 45, अब शायद वो अगली आंसर की मैं चेंज कर दें, वो अलग बात है अगर किसी ने क्लेम किया होगा तो, लेकिन 45 जो है वो उसका टेक्निकली आपका आंसर होना चाहिए, या फिर हो सकता है हम भी गलत हो इस पे कंप्लीटली ओके, लेकिन इतना इतिहास में यहाँ पर जो चीजें हो जाती हैं थोड़ा बहुत जो है
डिफिकल्ट हो जाता है हर किसी के लिए केटर करना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, लेकिन जो मुख्य है आपके उनको आप ध्यान रखें, 1879 को आप ध्यान रखें, 1900 में मनोविज्ञान मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत होती है उसको आप ध्यान रखें, ठीक है। 1912 में उदय बोल रहे हैं उसको आप ध्यान रखें, ठीक है। 1924 में आपकी पुस्तक प्रकाशित बोल रहे हैं उसको आप ध्यान रखें। 1951 में जो बोल रहे हैं आपका CCP आया उसको ध्यान रखें। 54 में आपको बोल रहे हैं मनोविज्ञान और आपका सॉरी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी जो आई आपको उसको ध्यान रखें। 1981 वाला रॉजर स्पेरी है उसको आप ध्यान रखें। 1955 वाला जो आपका निमेंस वाला है उसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। और भी जो एक दो चीजें हैं यहाँ पर आपके डैनियल कर्मन को 2002 में मिला उसको आप ध्यान रखें। NOAP की शुरुआत कब हुई आपकी उसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। तो इतने आपके जो है टाइमलाइन के लिए ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए, ये आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। और इसके पहले जो हमने आपको बताया है 1801 में कौन आता है, फिर आपके यहाँ पर हम बात करें आपके 1795 में कौन आता है उसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो इस क्लास के लिए इतना ही। ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका BPSC PGT साइकोलॉजी मनोविज्ञान 4.0 5.0। जब भी आप देंगे, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आपको हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी टाइमलाइन ऑफ साइकोलॉजी से आपको ये सवाल अगर आता है तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर किस प्रकार से आपका फंक्शनलिज्म आया, फिर किस प्रकार से आपका बिहेवियरिज्म आया, फिर किस प्रकार से आपका साइको एनालिसिस आया, फिर किस प्रकार से आपका गेस्टाल्ट आया, और फिर किस प्रकार से आपका ह्यूमैनिटी वाले आए, और फिर किस प्रकार से आपके जो है कॉग्निटिव वाले आए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि संज्ञानात्मक की शुरुआत कब होती है, तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन जो आया वो बाद में आया है आपका यहाँ पर 1950-60 के आसपास। लेकिन देखिए इसकी इतिहास की हम बात करें तो 1885 में ही हर्बर्ट एबिंगहाउस ने बात कर दी थी किसके बारे में, आपकी मेमोरी के बारे में, ठीक है। अब ये तो आपको मालूम है ना कि मेमोरी टॉपिक जो है आपका, स्मृति टॉपिक जो है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपके कॉग्निशन के अंदर, ठीक है। ना वो आपके स्ट्रक्चर में आएगा, ना वो फंक्शन में आएगा, ना वो साइको एनालिसिस में आएगा, ना वो बिहेवियर में आएगा, ना वो गेस्टाल्ट में आएगा, ना वो ह्यूमैनिटी में आएगा। कहाँ पर आएगा आपके, वो आएगा आपके संज्ञान के अंदर, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि संज्ञान की शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है 1950 के बाद में। शुरुआत की देखिए आप हिस्ट्री में, जब बात करें 1885 में ही हर्मन एबिंगहाउस जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी, ठीक है। ओके, इसी में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, 1921 में जो था आपका रॉडशार्ट वाला इंग्लॉट टेस्ट, वो भी आपका आ जाता है। खैर वो टेस्टिंग और रिसर्च का अलग पार्ट है, लेकिन आपकी जो मेन आपकी जो हेडलाइंस है, जो आपकी मेन टाइमलाइन है आपकी यहाँ पर, वो आपके लिए आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। ओके, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और टेलीग्राम पे आप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए